जबलपुर में एनएसयूआई छात्र संगठन ने जामदार अस्पताल के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई छात्र संगठन का कहना है कि जबलपुर में लगातार निजी अस्पतालों की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। वहीं जामदार अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड में मरीज के इलाज करने में आनाकानी की जा रही है। एनएसयूआई छात्र संगठन ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर मांग की कि दो दिन के अंदर जामदार हॉस्पिटल की मान्यता को निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं एनएसयूआई के विजय रजक का कहना है कि आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद भी जामदार हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय ने 40,000 रुपये की मरीज के परिजनों से मांग की है, जिस पर जिला प्रशासन को जामदार अस्पताल की मान्यता को निरस्त करना चाहिए। अगर दो दिन के अंदर हॉस्पिटल की मान्यता निरस्त नहीं की जाती तो एनएसयूआई द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहर में अपने आप को बड़े समाज सेवी बताने वाले आरएसएस के वरिष्ठ नेता और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई है, उसमें सदस्य डॉक्टर जामदार, जो कि अपने अस्पताल में गरीब मरीजों से सरकारी योजना पर इलाज करने के बावजूद भी पैसों की मांग करते हैं, उसको लेकर कल एक परिजन की शिकायत हमें प्राप्त हुई थी। जब हम अस्पताल पहुँचे तो हम लोगों ने डॉक्टर का वीडियो भी बनाया। आयुष्मान कार्ड से इलाज चल रहे एक परिजन से 40,000 रुपये की मांग की गई। जब परिजनों के द्वारा उनसे पूछा गया कि आयुष्मान कार्ड में सरकार हमारा निःशुल्क इलाज कराती है, तो उन्होंने बताया कि आयुष्मान के तहत जो इलाज होता है वो सरकारी सामान रद्दी आता है, और वो रद्दी सामान डालकर हम अपने हॉस्पिटल की साख नहीं गिराएंगे। मतलब सरकार में बैठे लोग ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को रद्दी बता रहे हैं। और जब इसका विरोध किया गया तो परिजनों से अभद्रतापूर्ण वहाँ के डॉक्टर ने बात की और अपने इलाज को बड़ी दुकान का सामान बता रहे हैं और सरकार के द्वारा जो इलाज चलाया जा रहा है उसको फुटपाथ का सामान बचाकर आलोचना कर रहे थे। ऐसे डॉक्टर का हम लोगों ने वीडियो बनाया है और आज हम लोग अस्पताल जा रहे थे कि जिन मरीजों का वहाँ पे आयुष्मान योजना के तहत इलाज चल रहा है उनको अपने माइक और साउंड के माध्यम से आगाह करते कि जिनका भी इलाज यहाँ पर आयुष्मान योजना के तहत चल रहा है अगर उनसे पैसे लिए जाते हैं तो कलेक्टर में अपनी शिकायत करें कलेक्ट्रेट में, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ना जाने किस दबाव में हमें आगे जाने से रोका गया। इसकी शिकायत अभी हम कलेक्टर महोदय को जाकर करेंगे लिखित, कल जिला चिकित्सा अधिकारी से भी करेंगे, और अगर अस्पताल पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे एनएसयूआई द्वारा उग्र आंदोलन किए जाएंगे।